हेलो एंड वेलकम माय नेम इज़ कानन टांडी एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे टुडे इज वैलेंटाइंस डे बिफोर वी मूव फॉरवर्ड एक बात मैं बताना चाहूँगी जो लोग ये मैसेज फॉरवर्ड करते हैं आज के दिन कि भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को फांसी चढ़ाई गई थी ये गलत न्यूज़ है वो तेईस मार्च नाइनटीन को हुआ था दैट इंसिडेंट राइट सो लेट इज जस्ट नॉट मिक्स टू थिंग्स

योर लव टूअर्ड्स दी अदर पर्सन एंड नाउ दिस विल ऑल्सो बी समिंग वेर यू रिसीव लव फ्रॉम समबडी एल्स तो love languages generally paanch tarah ke होते हैं और ब्रॉडली आप उसको इस पांच कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पीछे कोई सीक्वेंस नहीं है इट्स जस्ट दैट आई एम टेलिंग दिस वॉट आर द डिफरेंट लव languages. सो द फर्स्ट वन इज़ क्वालिटी टाइम स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विथ ईच अदर स्पेंडिंग टाइम गोइंग टू दार्क नेचर वॉक गोइंग टू द बीच माउंटन्स वॉचिंग अटफ्लिक्स समथिंग लाइक दैट बट स्पेंडिंग वेरी गुड टाइम विथ ईच अदर विद आउट द फोन सेकेंड थिंग इज वर्ड ऑफ अफरमेशंस मतलब कि तारीफ करना तारीफ करो मेरी कि मैं तुम्हारे लिए ही बनी हूँ तारीफ़ करो मेरी कि तुम कितनी लकी हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ सो वर्ड ऑफ अफॉर्मेशन इज समथिंग दैट सम पीपल लाइक यू टैग देम ऑन इंस्टाग्राम यू टैग देम ऑन फेसबुक कोई फेसबुक यूज़ करता है क्या ओके सो यू टैग देम बेसिकली एंड यू स्प्रेड दिस थिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल दैट यू आर अ लकी पर्सन टू हैव देम इन योर लाइफ दैट इज़ वर्ड ऑफ अफॉर्मेशन थर्ड वन ज एक्ट ऑफ सर्विस आप सामने वाले के लिए कुछ काम कर देंगे राइट right? मैंने उनके लिए आयन कर दिया uh, सुबह उठ के मैंने चाय बना दी सो दीज आर एक्ट ऑफ सर्विस बाई दिस वे सारे हाउस वाइफ्स हमेशा एक्ट ऑफ सर्विस ही करते रहते हैं ओके लेट इज नॉट डाइग्रेस एक्ट ऑफ सर्विस इज वेन यू डू समथिंग फॉर द अदर पर्सन आउट ऑफ लव एंड यू वर्क फॉर दैम अब इसमें ऑफिस uh, का खाना रेडी कर देना है या फिर uh, कपड़े आयरन कर देना इज समथिंग विच इज़ देर आप सोचिए अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज द फिजिकल टच फिज़िकल टच ये होता है जब आप uh, हाथों में हाथ डालना पसंद करते हैं यू लव हगिंग किसिंग स्पेंडिंग टाइम फिजिकली राइट सो यू लाइक अ लॉट ऑफ टचिंग ईच अदर सो दैट इज़ अर लव लैंग्वेज दैट सम पीपल लाइक नाउ द लास्ट वन इज़ कॉल्ड एज द आर्ट ऑफ गिफ्टिंग या तो गिफ्ट जो लोगों को पसंद है अब गिफ्ट में कुछ भी हो सकता है जो उनको पसंद हो आपको उनको गिफ्ट करना पड़ेगा एंड हाँ इट नीड्स टू बी समिंग विथ शुड बी इन योर बजट तो ये जो पाँच लव लैंग्वेज हैं ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना दैट वॉट डू वी लाइक एंड यू ऑल्सो नीड टू नो कि आपके पार्टनर को क्या पसंद है सो दैट यू कैन एक्सप्रेस योर लव लैंग्वेज सो दैट यू कैन एक्सप्रेस दे आर लव लैंग्वेज एंड दे विल ऑल्सो फील लव कभी कभार ये समझने में लोगों में गल गलती हो जाती है और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है बट टूडे इज़ द डे ऑफ लव एंड हाँ इफ़ यू एक्चुअली लिव नाइसली एवरी डे विल बी द डे ऑफ लव दैट्स ऑल फॉर नाव एंड अगर मैं कुछ बोलना भूल गई तो प्लीज़ फील फ्री टू तो राइट दैट इन द कॉमेंट बॉक्स आपका लव लैंग्वेज क्या है ज़रूर बताइए और हमने फाइट लैंग्वेज पिछड़े वाले लाइफ में कवर किया था सो so उसको भी ज़रूर जाके देखिए ताकि मोस्ट ऑफ द पीपल विल लिव लाइफ हैप्पीली और खुशहाली से हैप्पी वैलेंटाइंस डे थैंक यू सो मच